केजी मीटर सेकंड को कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में। तो पहले हम कन्वर्जन लिख देते हैं कि केजी का ग्राम में कितना होता है। 1 केजी इज इक्वल टू 10 इज टू 3 ग्राम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 इज टू 2 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू है उसमें ये वैल्यू रखते जाना, सेकंड का तो सेकंड नहीं होगा, तो 1 केजी मीटर स्क्वायर एस रेस टू माइनस टू, केजी की जगह पे क्या लेना है 10 रेस टू 3 ग्राम, 10 मीटर की जगह पे रखना है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, और सेकंड का तो वही रहेगा, तो टोटल कितना हुआ 10 रेस टू 3 ग्राम 10 रेस टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एस माइनस टू, ये कितना हो गया 10 रेस टू 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एस माइनस टू। वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 रेस टू 15 मीटर। आपको चाहिए क्या चाहिए, 1 मीटर चाहिए ना, तो ये पूरा डिवीजन में लेके आओ, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 9.46 10 रेस टू 15, 1 डिवाइड बाय करो 9.46 0.1 10 to power minus 15। तो ये 1 है तो इसको एक पॉइंट मूव कर लो यहाँ पे, मतलब ये होगा 1.05 10 रेस टू माइनस 16। 1 तो 1 ही होता है, 1.0 मतलब 1 ही हुआ, और 1 को नहीं लिखोगे तो चलेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेस टू माइनस 16 लाइट ईयर। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये जो मीटर है उसको पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करो, और ये जो सेकंड है उसको आवर में लिखो। 1 मीटर की वैल्यू किलोमीटर में लिखनी है, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा आपको, से अच्छा है कि 1 किलोमीटर लिखते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, मतलब 1 मीटर कितना हुआ 1/1000 होगा, 1000 मतलब 10 टू पावर 3, तो ये कितना होगा 10 रेस टू माइनस 3 किलोमीटर। 1 मीटर का किलोमीटर में कितना होता है 10 रेस टू माइनस 3 किलोमीटर। अभी सेकंड और आवर का रिलेशन देखते हैं क्या है। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। 1 आवर की वैल्यू कितनी है 3600। आपको क्या चाहिए 1 सेकंड की वैल्यू, किसमें आवर में कन्वर्ट करनी है, तो यहाँ से 1 सेकंड फाइंड करो। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3600। 1 सेकंड की वैल्यू कितने आवर होगी, 1 डिवाइड बाय 3600 आवर होगी, वो डिवीजन नहीं करना है, डिवीजन करोगे तो वो पॉइंट में चला जाएगा वो। चलो ये वैल्यू, एक वैल्यू आपको मिल गई, मीटर को लिखना है 10 रेस टू माइनस 3 किलोमीटर, और सेकंड को लिखना है 1/3600 आवर। ये वैल्यू कहाँ पे रखनी है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 3, मीटर की जगह पे क्या रिप्लेस करना है 10 रेस टू माइनस 3 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 10 रेस टू माइनस 3 किलोमीटर, ये मीटर को रिप्लेस किया। उसके डिवीजन में क्या है सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है 1/3600
आवर और उसका स्क्वायर, समझ में आया? मीटर को सेकंड स्क्वायर डिवीजन में, मीटर को रिप्लेस किया 10^-3 किलोमीटर और सेकंड को रिप्लेस किया 1/3600 आवर में। अब करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, 3 × 10^-3 किलोमीटर डिवाइड में 1/3600 इसका स्क्वायर और ये एच का स्क्वायर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो गया। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है मतलब कि ये जो 3600 का स्क्वायर होगा ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाना है, 3 × 10^-3 × 3600 स्क्वायर, तो ये जो जवाब होगा दैट इज इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो 3600 × 3 3 × 0 और पॉइंट नहीं, पॉइंट कहीं पे नहीं, 10^-3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 1, 2 और 3 ये 10^-3 है तो ये 3 0 निकाल दो, 10^-3 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आंसर क्या है? यहाँ पे कन्वर्ट करो इसको पावर में, यहाँ पे पॉइंट है 1, 2, 3, 4 तो कितना हुआ 3.88 10^4 और 88 मतलब 9, 3.9 10^4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये हो गया 3 m/s² का किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आंसर। 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 10 cm² s-2g-1। तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम को ये सिस्टम में कन्वर्ट करना है, MTS सिस्टम CGS सिस्टम, लेकिन पहले ये न्यूटन जो लिखा हुआ है ना उसको पहले निकालना पड़ेगा, उसको केजी मीटर में लिखना पड़ेगा। अभी न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन किसका यूनिट है, किलोग्राम का यूनिट है, सेकंड का यूनिट है, किसका यूनिट, ग्रेविटी, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फोर्स का यूनिट है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का जो एक्चुअल जो फॉर्मूला है F=ma, और ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर उसका यूनिट लिखा जाए तो ये यूनिट होता है मास के लिए केजी और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये फोर्स का फॉर्मूला है, मतलब यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये किसने फाइंड किया हुआ है, न्यूटन ने, इसलिए इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया है, कैपिटल एन, मतलब एन की वैल्यू कितनी होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कैपिटल एन की वैल्यू है। तो पहले ये टर्म को एन निकाल के सभी टर्म्स को आपको केजी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, एन मीटर स्क्वायर केजी माइनस टू, तो यहाँ पे एन की वैल्यू रखनी है कितनी, केजी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मतलब एस माइनस टू, ये एन की वैल्यू आई, इसके साथ दूसरी कौन सी वैल्यू, मीटर स्क्वायर एंड केजी माइनस टू, मीटर स्क्वायर केजी माइनस टू। तो अभी देखो केजी कितने हो गए, केजी केजी माइनस टू एन प्लस वन, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन, माइनस टू में से अगर वन जाएगा तो
कितना रहेगा, माइनस वन रहेगा, केजी माइनस वन। मीटर देखो कितने हैं, मीटर स्क्वायर वन मीटर, टू प्लस वन मीटर कितने हो गए थ्री, एंड एस माइनस टू। अभी देखो इसके जैसा लगेगा आपको, ये केजी इनवर्स है तो यहाँ पे ग्राम इनवर्स है, मीटर क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब होगा, क्यूब है देखो ना, वही होगा सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब एंड सेकंड की जगह पे सेकंड माइनस टू। अभी ये टर्म को कन्वर्ट करना है, ये टर्म है विथ वैल्यू, कितनी वैल्यू होगी, हियर वी हैव 6.67 10 रेस टू माइनस 11 केजी माइनस 1 मीटर क्यूब एस माइनस 2 इट इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इनवर्स, ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब एंड एस माइनस 2, इसको कन्वर्ट करना है। तो ये केजी को अगर ग्राम में लिखना हो तो कितना लिखेंगे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, केजी की जगह पे लिखना है ग्राम, तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया, मतलब कि 10 रेस टू 3 ग्राम जिसकी पावर होगी माइनस 1, ये केजी की जगह पे लिख दिया 1000 ग्राम जिसकी पावर माइनस 1। ये मीटर है, मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर मतलब पावर 10 रेस टू 2, और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया क्यूब एस माइनस 2, तो वैल्यू 6.67 10 रेस टू माइनस 11 3 इंटू माइनस 1 10 रेस टू माइनस 3 ग्राम इनवर्स 3 टू 6 10 रेस टू 6 सेंटीमीटर क्यूब एस माइनस 2। सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन माइनस 11 माइनस 3 कितने हुए माइनस 14, माइनस 14 6 प्लस 6 कर दो माइनस 8, माइनस 8 11 और 3 हो गए 14, 14 में से 6 निकाल दिए, रहेंगे कितने 8 रहेंगे ना, और ये यूनिट होगा ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब एस माइनस 2, सो दिस विल बी द आंसर। वन कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी लिखी है, इट इज इक्वल टू 4.2 जूल, 4.2 जूल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, एंड 1 जूल इज इक्वल टू कितना है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर एस माइनस 2, मतलब ये निकाल दो और इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 4.2 केजी मीटर स्क्वायर एस माइनस 2। नाउ कन्वर्ट दी दिस सिस्टम इन अ न्यू सिस्टम, ये जो सिस्टम यहाँ पे कैलोरी के लिए दी है उसको अभी नई सिस्टम में कन्वर्ट करना है, एंड इन दिस न्यू सिस्टम we have to consider the mass is equal to alpha kg, mass को कितना लेना है आपको, alpha kg बराबर लेना है, unit of mass alpha kg, unit
मोमेंट ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा केजी। तो इसको हम कंसीडर करेंगे, वन इज इक्वल टू अल्फा केजी एंड देयरफॉर केजी इज इक्वल टू वन बाय अल्फा, सो इट इज अल्फा माइनस वन। क्या कंसीडर करना है, जो यूनिट ऑफ मास आपको दिया है, यूनिट ऑफ मास वन इज इक्वल टू अल्फा केजी, तो यहां से केजी जो यहां पे लिखा है इसकी वैल्यू अल्फा में कितनी होगी, वन अपॉन अल्फा। ये जो अल्फा है वन के डिवीजन में लेके जाओ, वन बाय अल्फा कितना हो गया, अल्फा माइनस वन, मतलब केजी की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा इनवर्स यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ जो कितना लेना है बीटा मीटर, ये भी कंसीडर करो वन बीटा मीटर, तो मीटर की वैल्यू क्या होगी, वन बाय बीटा, मतलब बीटा माइनस वन, ये मीटर की वैल्यू हो गई। एंड यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम इट इज गामा सेकंड, सो वन इज इक्वल टू गामा सेकंड एंड देयरफॉर गामा इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू वन अपॉन सेकंड इज इक्वल वन अपॉन माइनस वन। तो इस तरीके से हर एक क्वांटिटी को हमने अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट कर लिया, केजी मीटर एंड सेकंड, तीनों को कन्वर्ट किया। अब वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वन कैलोरी इज इक्वल टू डैश और इट इज 4.2 केजी मीटर स्क्वायर एस माइनस टू। इसमें से आपको कन्वर्ट करना है केजी, केजी की वैल्यू कितनी, अल्फा माइनस वन, मीटर की वैल्यू बीटा माइनस वन और उसका स्क्वायर एंड सेकंड की वैल्यू गामा माइनस वन पावर माइनस टू, ये वैल्यू हो गई 4.2 अल्फा इनवर्स 2 1 2 बीटा माइनस टू माइनस माइनस प्लस गामा स्क्वायर, आया अल्फा इनवर्स बीटा माइनस टू गामा स्क्वायर।